आइए लिखते एंजॉय करते हैं अध्याय 4 फोर्थ पार्ट में। और यह बताती है इस पार्ट को इंटाइटल किया गया है क्या बताती है किताबें और कब्रें, मतलब बुक बुक्स और ग्रेव से हम क्या सीख सकते हैं। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षकों ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। किसी स्कूल की छोटी सी इंसिडेंट है। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। यहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी रहती थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? अब देखिए, अब एक छोटे से बच्चे को जब बताया जाए कि वेदों का संग्रह, तो वो तो पहला पहला सवाल तो उसके मन में एक ही आएगा कि वेद क्या है। आइए पता लगाते हैं वेद क्या है। आइए, दुनिया के सबके प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, शायद तुमने आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, तो याद ही कर लीजिए। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। धीरे धीरे चबाएंगे इस लेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं, कितनी है? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी रचना कब हुई। आपने याद किया वेद कितने होते हैं, ये भी आपको याद हो गया होगा। वेद 4 होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसकी रचना 3500 साल पहले हुई है। कितना साल? 3500 साल, याद होना चाहिए। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। देखो क्या हुआ फिर से, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000, इन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। किसके लिए? मेरे आपके लिए नहीं, गॉड और गॉडेस के लिए, राइट? देवी और देवताओं के स्तुति में, प्रेयर में। इनसे तीन देवताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें जितने देवी देवता है उनमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। अग्नि को आग का देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, बनाया जाता था, सॉरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मजल एक एक लाइन को चबा के पढ़िएगा ताकि ये सेटल हो जाए आपके दिमाग में। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से तीन महत्वपूर्ण है, पहला क्या है? इंद्र, दूसरा अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम क्या है? एक पौधा है जिसे खास पे बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना, इसी में थोड़ा सा, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पढ़ाते थे और कंठस्थ करवाते थे। शायद ध्यान देंगे कैसे पढ़ाते थे आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ पर द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता
सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, ज्यादातर ये टीचर स्टूडेंट कौन थे, मेलविन बर्ड थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि इसकी भाषा क्या कहलाती थी, इसकी भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। जो तुम स्कूल में संस्कृत, तो स्कूल में जो संस्कृत आप पढ़ते हैं उससे यह थोड़ा सा अलग था। तो टीचर कैसे पढ़ाते थे याद रहा आपको, कंठस्थ करवा देते थे आज के शिक्षक के तरह नहीं। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले कौन थे, पुरुष थे। कुछ सूक्तों की, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। और ऋग्वेद की भाषा क्या थी, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह थोड़ा सा भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, अब थोड़ा थोड़ा दूसरे भाषा पर भी जोर डाला जाए। संस्कृत और अन्य भाषाएं, संस्कृत भाषा भारतीय मतलब भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। अगर अंग्रेजी में बोले इंडो यूरोपियन। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जो जैसे फारसी यूरोप की भाषा, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी फारसी, जर्मनी फ्रांसीसी, जर्मनी यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़े हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत, हिंदी माँ, अंग्रेजी मदर शब्द को देखिए। मैं और भी बता सकता हूं आपको, भ्रात्र भाई संस्कृत में भ्रात्र, अंग्रेजी में ब्रदर और लैटिन में ब्रेटर। क्या इनमें आपको कोई समानता मिले। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। इन भाषा की सूची बनाएं जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उन भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करें आप। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी हैं और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और सेवन किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद पढ़ा नहीं जाता था, क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था या श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इस छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार इतिहासकार पुरातत्व वेदों की तरह इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह आर्कियोलॉजिस्ट की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इन्होंने भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह एक संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बातें हैं। शायद हमें समय पर पढ़ाना चाहिए था। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, कौन कौन नदियां, व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र में देखे, में खोजे और फिर पढ़े। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो ऋग्वेद के रूप में अपने क्या लिखा, ये एक वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां,
क्या कौन कौन सी नदियां हैं? व्यास और सतलुज। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना वुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इस पांडुलिपि का को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में, कितनी खूबसूरत बात है, ये कहां है? महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तूली घोड़ों के चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। अरे वाह, अरे वाह, इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहते हो। नदियों से परिपूर्ण, नदियां कहती है, नदियों से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हे विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धूरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियां, हम तुम्हारा प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार बताते हैं, यह प्रार्थना उस क्षेत्र में की गई जहां ये बड़ नदियां बहती थी। और वी यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों का महत्व तो दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। वाह वाह। अब क्या आपको लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे? कारण बताइए। बिल्कुल, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के में अन्य नदियों को खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना को लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, अभी आपने खूबसूरत सा कन्वर्सेशन सुना, इसका नदी और विश्वामित्र का। विश्वामित्र बहुत बड़े महर्षि थे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना होती थी। आय अल्लाह, देखिए भाई, ऋग्वेद में क्या हो रहा है, मवेशियों के लिए, बच्चों खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी। घोड़ों को लड़ाई के में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां जैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाले फसलों को उपजाया जा सके। गुड। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग, सब भाग नहीं, और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, लेकिन कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन सभी लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल। देखिए एक बार पलट के, कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में जो भाग लेते थे, कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, परमानेंट आर्मी नहीं रहता था, लेकिन कुछ लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे।
लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बतलाने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। ये ना तो राजधानी और महलों में रहते थे, ना ही पास इनके पास सेना थी, ना ही ये टैक्स लेते थे। और जब राजा का डेथ होता था तो उसका बेटा अपने आप ही राजा हो जाता। तो राजा, अब एक्चुअली हमें जानना है कि राजा करते क्या थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिसे वैश्य कहते थे। अवैश्य शब्द निकला है। तो इस पर अध्याय 5 में विस्तार से हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? विश और जन। इसलिए हमें पुरु जन या विश, भारत जन या विश, यदु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? आइए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्ज कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास्यु, दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का गुलाम हो गया, और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे सब करना पड़ता था। इस युग में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो कहां क्या हो रहा है। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण है। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब स्टार्ट हुई, कब प्रारंभ हुई? लगभग 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं और जमीन के ऊपर से ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर, भी मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। हमने जो कार्य सूची बनाया उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो महापाषाण के निर्माण में बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। तो पहला क्या होता है? गड्ढा खोदना। दूसरा होता है पत्थर के टुकड़े को वहां लाना। तीसरा होता है बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सवाधान या सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट हॉल, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इन कब्रों में कुछ समानताएं भी हैं।
सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। आइए, क्वेश्चन है, क्या लोहे का प्रयोग होता था? तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान कुछ मिले, बाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाई और कुलाड़ियों के नीचे एक कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। कभी कभी कब्र में एक कब्र में तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों के सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी। क्या कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। यह बताता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में बढ़ने वाले को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 इनाम गांव के को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ के वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था या उनके सिर उत्तर की ओर होते थे। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाला मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था और सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता। लेकिन एक बच्चा और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम तुम यह बता सकते हो किसी पुरुष या स्त्री का? कभी कभी कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच होती है। क्योंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनके कटी प्रदेश या कुल्ले प्रदेशों से ज्यादा बड़ा होता है, पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों की आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक संगीता। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संगीता नामक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 2006 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों की काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्व विदों में
गेहूं गेहूं जौ चावल बाजरा मटर और तिल के बीज मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? इनाम गांव के पुरातत्व वीरों को गांव में ये मिलते हैं, गेहूं चावल जौ बाजरा दाल मटर और तिल के बीज। कई जानवरों के हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लोग इन्हें खाते होंगे। गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता गधा सुअर सांबर चितकबरा हिरण कृष्ण मृग खरहा नेवला चिड़िया घड़ियाल कछुआ केकड़ा मछलियों की हड्डियां भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वीर आंवला जामुन खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। कल्पना करो कि लास्ट 3,000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रही है। बताते हो सारे दृश्य का वर्णन करो। अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है? क्या तुम्हें लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को अब कंक्लूड करने की मुद्रा में आते हैं। तो कंकाल को अंग्रेजी में इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना कब प्रारंभ हुई? लगभग 3500 साल पहले। एक दो बार और, वेदों की रचना की प्रारंभ कब हुई? 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले। कब हुई? 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। चरक के कब? लगभग 2000 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। आइए अब खत्म करें। थैंक यू।